Ayo, so what would you feel if I told you that Shadow the Hedgehog was supposed to be even more edgier? Ya fir Mario Party 2 ke duel wale mini game mein jo guns hain, those were supposed to be real? Well, aaj hum isi cheez ke bare mein baat karne wale hain is video mein, to let's begin. As always, let's start with the most obvious one, that is Mortal Kombat. तो जैसा कि सबको पता है मॉर्टल कॉम्बैट हैज़ अ वेरी एंड आई मीन इट वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सेंसरशिप. तो जब तक गेम आर्केड्स में था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब होम कंसोल पर पोर्ट करने की बारी आती है तो वेल द ब्लड वॉज रिमूव्ड इन सम केसेस, द फेटेलिटीज वर ऑल्टर्ड टू लुक मोर फैमिली फ्रेंडली, और कुछ वर्जन्स में ब्लड को चेंज कर दिया गया था पसीने के साथ. लेकिन सेगा के गेम गियर और जेनेसिस वर्जन्स में ब्लड इंक्लूडेड था, बट इट वाज इंक्लूडेड बिहाइंड चीट कोड्स, जिसका सेगा ने भर के फायदा उठाया मार्केटिंग के टाइम पर. एंड मॉडल कॉम्बैट विद सीक्रेट कोड्स फॉर फुल आर्केड फिनिशिंग मूव्स, इट्स द ओनली सिस्टम दैट कैन टेक द पनिशमेंट. सो मॉडल कॉम्बैट को रखते हैं साइड में और उस बंदे की तरफ आते हैं जो एसएमजी को ऐसे रीलोड करता है जैसे कि वही कोई पंप एक्शन शॉटगन रीलोड कर रहा है. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट शैडो द हेजहॉग. तो शैडो द हेजहॉग वॉज क्रिएटेड टू अपील फॉर मेजर ऑडियंस बिकॉज वेल उसमें गन्स और स्ट्रॉन्ग कस वर्ड्स इंक्लूडेड थे. तो डेवलपमेंट के टाइम टीम एम कर रही थी टीन रेटिंग की तरफ, लेकिन उसी टाइम पर ESRB ने नया रेटिंग इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज E10+. सो दे डिज द टीन रेटिंग एंड वेंट विद E10+, जिसकी वजह से उनको कुछ चीज़ें कट करनी पड़ गई गेम से, लाइक मोर ऑफ दोज स्वेयर वर्ड्स. तो क्योंकि ज़्यादा चेंजेस गेम के डेवलपमेंट के टाइम हुए थे तो सैडली ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास दिखाने के लिए एक्सेप्ट वेल फॉर दिस इमेज. नेक्स्ट अप वो गेम जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था अभी तक कि दैट इट एग्जिस्ट, ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पनिशर. तो एज ऑलवेज पनिशर के एक्सिक्यूशन सीन्स को सेंसर कर दिया गया था बाय इंक्लूडिंग दिस हॉरिबल ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर विच सच बोलूं तो डजंट डू शिट. सेम कैन बी सेड अबाउट वेल मैनहंट 2 जो पता नहीं कैसे कुछ कंट्रीज में बैन होने से बच गया, आई डोंट नो हाउ, बट इट गॉट सेंसर्ड हॉरिबली बाय पुटिंग एवरी सिंगल विंडोज मूवी मेकर इफेक्ट यू कुड फाइंड ऑन द इंटरनेट. मेगा मैन लेजेंड्स के जैपनीज वर्जन में यू कुड लिटरली किक द शिट आउट ऑफ एनिमल्स, दैट्स एक्चुअली हॉरिबल बट काइंड ऑफ फनी टू लुक एट. मतलब गेम की स्टोरी प्रोग्रेस करने के लिए तुम्हें लिटरली एक डॉग को किक करना पड़ता है JP वर्जन में. जर्मनी में तो एक ट्रेंड चलता है सेंसरशिप को लेकर, जहां पर भी ह्यूमन किलिंग दिखे उनका सॉल्यूशन क्या होगा, रोबोट्स. यस, सबसे बड़ी विक्टिम है इसकी कॉन्ट्रा सीरीज वेयर द मेन सोल्जर्स वर रिप्लेस विद रोबोट्स, और सीरीज का नाम भी चेंज कर दिया गया फ्रॉम कॉन्ट्रा टू प्रोबोटेक्टर. ये सब कंटिन्यू होता गया 4-5 गेम्स तक. फाइनली लेट्स टॉक अबाउट सेक्स. तो साउथ पार्क स्टिक ऑफ ट्रुथ में तो सीन्स मूव कर दिए गए थे इन रीजन्स लाइक यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया, रिप्लेस बाय दी स्टिल इमेजेस विच वॉज एक्चुअली डन बाय यूबीसॉफ्ट देमसेल्व्स, क्योंकि उन्हें ये सब रेटिंग वेटिंग का झंझट नहीं झेलना था. In GTA Vice City, inside Tony's mansion, there were photos of, well, naked women, जिनको रिप्लेस कर दिया गया था JP वर्जन में कैट इमेजेस से. आई वंडर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली. वॉच डॉग्स में कुछ एरियाज थी जहाँ NPC कम्प्लीटली नेकेड घूम रहे होते थे, which actually meant that every damn NPC had fully rendered junk beneath those clothes. जो एक अनलकी बंदे ने एक्सपीरियंस कर लिया था व्हेन ही फाउंड आउट अ फीमेल NPC विद अ फुली रेंडर्ड एक्सपोज्ड, व्हाई डू आई डू दिस टू मायसेल्फ, विद अ फुली रेंडर्ड एक्सपोज्ड. जब ये फोटो इंटरनेट पर शेयर किया गया तो यूबीसॉफ्ट हैड टू अपोलोजाइज एंड वेल दे पैच्ड इट इन द नेक्स्ट अपडेट. सो दैट्स गोना बी इट फॉर दिस वीडियो. अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी. एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. सायोनारा.